हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका होम वर्कआउट सीरीज के फोर्थ वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले चाहूंगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वर्कआउट सीरीज के सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो मोटे फैटी लोग जो है उनके लिए है। तो मोटे लोगों, मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। जो बात मैं आज आपको बता रहा हूँ उसका रिजल्ट आप एक हफ्ते के अंदर देख लेना। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो उसमें अपन को कुछ पॉइंट कवर करने हैं, जैसे आपकी मॉर्निंग की वॉकिंग, फिर मॉर्निंग रनिंग, आपकी साइकिलिंग और आपकी डाइट, इन बातों पर अपन आज चर्चा करेंगे। बात करते हैं अपन मॉर्निंग वॉकिंग की। तो आपका अगर आपने अभी शुरू किया है तो हो सकता है एक दो दिन आप ग्राउंड साइड टहल सकते हो। बाकी अगर आप ये सुबह के टहलने को अगर रेगुलर रखना चाहते हो तो आपका मॉर्निंग वॉक हिल या पहाड़ जैसी जगह पे होना चाहिए। बात को समझने की कोशिश करना, आपका पहाड़ साइड या जो ऊंचाई वाली जगह है उस पर आपका टहलना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे आप मॉर्निंग में टहल रहे हो तो आपके टहलने का मतलब होना चाहिए कि आपकी बॉडी से आपकी कैलोरीज बर्न होना, ये नहीं कि आलसी जैसे टहल रहे हो, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहाड़ साइड हो तो आपको ऊंचाई को देखते हुए बार बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर का और जाने का शेड्यूल बनाना चाहिए। ऐसा एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा। तो जब आपको ये सब मॉर्निंग का टहलना अगर इजी लगने लग जाए तो बात करते हैं अपन रनिंग की, मॉर्निंग में रनिंग। तो देखो महाराज, ऐसा है आपकी मॉर्निंग का शेड्यूल जो है वो किलोमीटर में नहीं, टाइमिंग में होना चाहिए, क्लियर। देन आपकी टाइमिंग कम से कम 15 मिनट से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि आप हार्ड वर्क कर रहे हो। तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, कब तक, जब तक कि आप पतले ना हो जाओ। तो रनिंग से पहले महाराज आपको करना क्या है, ये ज्ञान जो मैं आपको दे रहा हूँ ये आपको कोई भी ट्रेनर, कोई भी गाइडर नहीं दे सकता, और ना कोई से चैनल पे आपको ये मिलेगा। ये बातें कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी, ना कोई आपको बताएगा। सबसे पहली बात, आपको अपने ड्रेस का प्रॉपर ध्यान रखना है। आपको कभी भी रनिंग करें तो आप कभी ओपन बॉडी ना करें, क्योंकि आपको पसीना बहाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास ऊनी कोई स्वेटर वगैरह हो तो वो पहन लें, या फिर ट्रैक सूट जो है उसको पहन के दौड़े। तो फ्रेंड्स, पहनने से पहले आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, इस बात पर आप गौर फरमाएं कि पहनने से पहले आपको क्या करना है, जहां भी आपका फैटी एरिया है, जैसे हो गया ये पेट वगैरह, थाई हो गई, और जहां पे भी आपको फैट है उसमें आपको विक्स या मूव या फिर ऐसी कोई क्रीम यूज करना है, लगाना है, जो आपको बॉडी में हीट देती हो। तो ये काम आपको कर लेना है, फिर उसके बाद आप देखना, इस बार की गारंटी मिल लेता हूँ आपको, फर्स्ट वीक में ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरी एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, और फिर देखना रिजल्ट आपके सामने होगा। अब आपकी रनिंग शुरू होती है, तो रनिंग कैसे करनी है आपको उस बात पर थोड़ा विशेष ध्यान रखें। आपकी रनिंग स्लोली होनी चाहिए, बाकी इतनी स्लोली ताकि आपकी बॉडी गर्म रहे, ठंडी ना हो पाए बॉडी आपकी, इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए। आपको एक मुख्य बात पर और गौर फरमाना है, आपको अपने साथ टॉवल रखना है, ताकि जो आपकी बॉडी से पसीना है वो बॉडी पर ही सूखे ना, उससे पहले आप उसको पोंछ लो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें फ्रेंड्स, जो आपको रनिंग करते वक्त ध्यान रखनी है। तो देखो बंधुओं, ऐसा है आपको जिम के पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि ये जो फैट कम होएगा ये आपका रनिंग वगैरह से ही कटेगा। भी ऐसा इलाज नहीं है कि आपने जिम शुरू कर दिया और फैट लॉस हो जाए, उससे अच्छा आप रनिंग करो, बहुत जल्दी आपका फैट लॉस हो जाए। आशा करता हूँ आपको मेरी बात अच्छे से समझ आई होगी, और वीडियो ज्यादा लंबी होने के कारण मैं वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, बाकी डाइट और मेन एक्सरसाइज का वीडियो आपको पार्ट 5 में मिलेगा। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब की सेवा कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे। बाकी जय श्री राम।